हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारी नोटिफिकेशन पैनल है उसमें इस कैमरा सेल्फी और रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन को कैसे एनेबल करना है। जी हाँ गाइस, तो काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि जो आपका डिवाइस है उसमें सारे ऑप्शन को आपने कैसे एनेबल किया। सो गाइस, आपके इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप किस तरह से सारे ऑप्शन को एनेबल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सारे आइकन की। तो ये आइकन कैसे वर्क करता है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। गाइस, जैसे ही कैमरे पर टैप करते हैं तो जो आपका कैमरा है वो ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्टली फोटो को क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जो हमारी सेल्फी है, इस पर आप डायरेक्टली टैप करेंगे तो जो आपका सेल्फी है वो ऑन हो जाएगी और इसके बाद आपका जो सेल्फी मोड है वो अनेबल हो जाएगा। और जो आखिरी ऑप्शन है वो है वीडियो रिकॉर्ड का, तो इसे आप डायरेक्टली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब बात आती है इसको कैसे अनेबल करना है। सो गाइस, जो पिछला अपडेट है हमारा जो 8.9.6, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे लेटेस्ट अपडेट है, आप इसको अनेबल कर लीजिए यानी कि इसको अपडेट कर लीजिए। जो अपडेट है वो है MIUI 18 का 8.9.6 ग्लोबल बीटा अपडेट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, वहाँ जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है ओपन कैमरा। यहाँ पर देख लीजिए, ओ कैमरे का नाम है ओपन कैमरा, तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका जो ऑप्शन है वो अनेबल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहीं इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ऑप्शन हट जाते हैं या रह जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस एप्लीकेशन को हटा देता हूँ, यहाँ से कर लेते हैं अनइंस्टॉल। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो हमारा आइकन है वो हट चुका है। यहाँ पर देख लीजिए जो आइकन है वो सिर्फ इसी एप्लीकेशन से सपोर्ट करता है। तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दी है, तब वहाँ जाकर इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं फिर से इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गई है और हम देखते हैं जो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिंपल से इसको इंस्टॉल हो जाने दे और स्कैनिंग हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन पर टैप कर देना है और यहाँ पर आपको जाना है नोटिफिकेशन पैनल में। तो आपको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको क्लिक करना है मोर पर और मोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे सारे ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए कैमरा सेल्फी रिकॉर्ड वीडियो सारे ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिसको भी रखना चाहते हैं उसको यहाँ से ड्रैग कर लीजिए और जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं उसको यहाँ से प्लेस कर दीजिए। तो यहाँ से आपको सिंपल सा इसको आपको खींचना है और यहाँ जाके आपको इसको प्लेस कर देना है। यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पर सारे आइटम को इस तरह से यहाँ से रख सकते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरह से सारे आइकन को अनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पर एक पेज है MIUI 10 करके है, तो वहाँ पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।